हाय ओके गाइस, तो फाइनली हनी पाजी का मच अवेटेड ट्रैक मेलोडी रोजा आउट हो चुका है। इस ट्रैक के बारे में हनी पाजी ने कहा था कि इस ट्रैक में उनका रैप नहीं होने वाला है, ये एक फुल फ्लेज कमर्शियल ट्रैक होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत टाइम के बाद हनी पाजी का एक सोलो ट्रैक हमें सुनने को मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। ट्रैक के क्रेडिट्स के बारे में हम बात करते हैं तो ट्रैक के सिंगर लिरिसिस्ट एंड कंपोजर हैं योयो हनी सिंह। म्यूजिक प्रोड्यूस किया है योगी ने और वीडियो डायरेक्ट की है हमेशा की तरह मिहिर गुलाटी ने। ओके गाइस, तो मैं करूंगा इस ट्रैक पे रिएक्ट, दूंगा आप लोगों को अपने रिव्यूज़। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पर मैं ट्रैक को रेट करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। ऑडियो को अलग आउट ऑफ 5 हम रेट करेंगे और वीडियो को अलग आउट ऑफ 5 हम रेट करेंगे। रिएक्शन वीडियो है ये, फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ट्रैक जैसा लगेगा उस हिसाब से रेट करने वाला हूँ। 5-10 बार में सुनेंगे पहली बार में सुनकर। और हनी सिंह सर के हम ट्रैक्स पे रिएक्ट करते आ रहे हैं। हनी पाजी का लास्ट टाइम मैंने किया था जो एक कोलैब ट्रैक था, इंटरनेशनल कोलैब ट्रैक था, वो काफ़ी हद तक ठीक ठीक ट्रैक था। लेकिन जो उससे पहले आया था होमी दिल्ली वाला के साथ, वो मुझे उतना खास नहीं लगा था। लेकिन जो लास्ट टाइम आया था वो काफ़ी सही गाना था। अब इससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि हनी पाजी का एक सोलो ट्रैक कब आएगा, तो फाइनली वेट सारा अब खत्म हो चुका है। ओके, तो करते हैं हम इस ट्रैक पे रिएक्शन शुरू। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप लोग, प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। हनी पाजी के जितने भी फैंस हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। आपको इस चैनल पर हनी पाजी के सारे लेटेस्ट ट्रैक का रिएक्शन मिलेगा। आप लोग पुराने ट्रैक्स का रिएक्शन वीडियो भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। और अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो मेरी तरह इस ट्रैक को सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, रेटिंग तक ज़रूर रुकिएगा आप लोग। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पूरी वीडियो का आउटकम वहीं पर निकलता है जब रेटिंग की बारी आती है एंड पर। और अगर ट्रैक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ तो बीच बीच में रोक कर हम ट्रैक के बारे में बात ज़रूर करेंगे। ओके, तो करते हैं ट्रैक पे रिएक्शन शुरू। जी म्यूजिक कंपनी पर ट्रैक कर रहा है, नाइस शॉट मिहिर गुलाटी। स्टार्ट से तो काफी डिफरेंट ट्रैक लग रहा है। तेरी मेलेडी रोजा थोड़ी सीधी हो जा, करूं बत्ती बंद मैं कमरे में खो जा, मैं सर्च करूं तुझको तू सर्च करे मुझको, turn on turn on तू मच करे मुझको, when you wind your body 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 मैंनू कोल बिठा के खबी अख तो जग तू थोड़ी सीधी हो जा, करूं बत्ती बंद मैं कमरे में खो जा, मैं सर्च करूं तुझको तू सर्च करे मुझको, चना चना तू मच करे मुझको, पुश इट पुश इट हत्था नू चक ले, पुश इट पुश इट मेरा मान तू रख ले, डर पारों लेके आया एक बारी मेरा माल तू चक ले, पुश इट पुश इट ओके गाइस, तो बहुत ही डिफरेंट ट्रैक है। मतलब काफ़ी टाइम से हनी पाजी के काफ़ी हार्ड कोर पार्टी एंथम्स आ रहे थे मेरे हिसाब से, तो इसमें काफ़ी सॉफ्ट वोकल्स के साथ काफ़ी ना ठहराव से गा रहे हैं। आप लोग देखोगे, मैंने आपको पहले ही कहा था रैप नहीं होने वाला है पूरे ट्रैक में, तो पूरी तरीके से एक डिफरेंट ट्रैक बनाया गया है। काफ़ी चिल वाइब का गाना है और पूरी तरह से छा गए हनी पाजी उस वाइब पर। ट्रैक का म्यूज़िक काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, बीट काफ़ी सही है योगी की और काफ़ी डिफरेंट लिखा गया है हनी पाजी ने, हुक काफ़ी डिफरेंट रखा है। हनी पाजी के ट्रैक्स होते ही डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, इनके काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। और ट्रैक की ऑडियो तो बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है अब तक मुझे। लेकिन वीडियो के बारे में बात करूँ तो हनी पाजी की कॉस्ट्यूम्स, आप लुक एक बार चेक करो, वो जो स्काई ब्लू कलर का स्कार्फ सर पे बांधा हुआ है, कितना डिफरेंट लुक लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, कलर ग्रेडिंग भी बहुत ही सही हुई है। आगे देखते हैं। मेलोडी रोजा सीधी हो जा, कमरे में खो जा, मैं सच करूं तुझको,
चलने लग रहा, बर्नौल की ट्यूब कहाँ है, ओल्ड हनी सिंह वाली वाइब आ रही है, हनी तुझ में डूब रहा है, दिल मेरा जलने लग रहा, बर्नौल की ट्यूब कहाँ है, तेरी मेलेडी रोजा थोड़ी सीधी हो जा, करूं बत्ती बंद मैं कमरे में खो जा, मैं सच करूं तुझको, बहुत ही डिफरेंट हो गया, बहुत ही डिफरेंट, कैची हो क्या, एक दो बार आप सुनोगे आपको याद हो जाएगा। ब्यूटीफुल कंपोजिशन, करूं बत्ती बंद मैं खुशी खुशी कमरे में खो जा, कमरे में खो जा। कैंडी यो हनी सिंह, फाइनली ओल्ड हनी सिंह इज बैक। बहुत ही कैची, आप एक दो बार सुनोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ओके गाइस, तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें बिल्कुल वैसा ही ट्रैक मिला है। इस बार हनी सिंह पाजी ने खुद लिरिक्स लिखे हैं, तो इस बार रिपीटिंग लिरिक्स का भी इशू नहीं है। सब कुछ इस ट्रैक में ऑन पॉइंट था, एक कैची हुक था, एक अच्छी कंपोजिशन थी और हनी पाजी ने इसमें पूरा एक अलग वाइब क्रिएट की। बहुत ही एक चिल वाइब का गाना था और उनके वोकल्स भी काफ़ी स्मूथ थे इसमें। हमें ओल्ड हनी सिंह वाली वाइब तो बिल्कुल मिली है, बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है हनी पाजी ने इस ट्रैक के साथ। नो डाउट ट्रैक बहुत ही सही है, ट्रैक की ऑडियो को मैं दूंगा 5 stars out of 5, वेरी गुड ट्रैक। ओके गाइस, तो वीडियो के बारे में बात करूं तो वीडियो का प्रोडक्शन लेवल काफ़ी ज़बरदस्त है। हनी पाजी काफ़ी हाई लेवल की वीडियोस बनाते हैं। कलर ग्रेडिंग मैंने आपको कहा बहुत ही सही की गई है। कॉस्ट्यूम्स के बारे में मैंने आपको कहा कि बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए गए हैं। ओवरऑल शॉट्स भी काफ़ी सही थे। वीडियो को भी मैं दूंगा 5 stars out of 5। मिहिर गुलाटी डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो नई नई वीडियोज़ के लिए। बाय।